हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय श्लोक नंबर 3। कृपया ध्यान से देखिए, पश PASH पश। अब उस श के बाद यय जो है वो पूरा उच्चारण, पहले पश पे रुकेंगे, फिर यय, फिर ताम। पश यय ताम, ठीक। पांडु पुत्रा नाम। अभी देखो, पुत्रा नाम जो एन है ना, उसके नीचे डॉट लगा हुआ है ना, तो वो ण की आवाज निकालेगा। पांडु पुत्रा राम, पश्यताम पांडु पुत्रा राम। आचार्य महतीम, आचार्य महतीम। च मुम, आचार्य महतीम चमूम। फिर से देखिए, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम। जितना अल्फाबेट लिखे हुए हैं बस उतने ही उच्चारण करने, अ ई की आवाज एक्स्ट्रा नहीं निकालनी है। आगे व्यूढ़म, व्यू डी एच के बाद जो ए है उसके ऊपर लाइन लगी है ना, तो उसको आ करके पढ़ेंगे। व्यूढ़म, एम के ऊपर डॉट लगा हुआ है तो व्यूढ़म म नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, एम पे स्टॉप करेंगे। व्यूढ़म द्रुपद, द्रुपद पूरा इंसाफ के साथ पढ़ना। पुत रे ण, एन के नीचे डॉट तोड़ना आएगा। पुत आर ई रे पढ़ा जाएगा क्योंकि ई जो है वो ए की आवाज निकालता है। रे ण एन ए ण। तव टी ए वी ए तव, शिश एस एच आई एस एच शिश। ये न वाई ई ए, और एन के नीचे डॉट है तोड़ा। तव शिष्येण, तव शिश ये ण। धीमता डी एच आई धी एम ए म टी ए टा, धीमता। अगर टी के नीचे डॉट होता है ना तो ट की आवाज निकलती है, डॉट नहीं होता है तो त की आवाज निकलती है। समझ में आ? फिर से देखिए, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। फिर से, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता।